हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी मम्मी व्लॉग्स। यहाँ मैं शेयर करती हूँ व्लॉग्स एंड वीडियोस रिलेटेड टू मॉमी टॉक, लाइफस्टाइल एंड पेरेंटिंग। और आज का ये वीडियो भी है बहुत इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर आपने इस सीरीज के जो मेरे अभी प्रीवियस वीडियो रहे हैं उन्हें मिस नहीं किया होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वीडियो शुरू करते हैं। बट उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको चैनल से जुड़े सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे ऑन टाइम। और अब वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर सकते हैं, इजिली घर पे टेस्ट कर सकते हैं। अब प्रेगनेंसी टेस्ट से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, जो कि बहुत सारे लोगों के मन में होता है। और अक्सर ही हम इस चीज के बारे में बात करते हैं कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है, जब हम इस पर टेस्ट करते हैं, अगर उसमें एक लाइन हल्की आई है या फिर लाइट पिंक कलर की आई है, बहुत ही ज्यादा कम विजिबल है, तो उस लाइन का क्या मतलब होता है। तो इन सारी ही बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरीके का एक टेस्ट किट होता है, जिसके थ्रू आप अपने घर पर ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा रिसेंट टेस्टर है जिसे मैंने यूज किया और इसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा होगा। 3 महीने पुराना ये रिजल्ट है, जो कि अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी ये प्रेगनेंसी टेस्ट विंडो, जिसमें की टेस्ट लाइन दी हुई होती है और कंट्रोल लाइन दी हुई होती है, यानी कि टी एंड सी, ये दो एंड्स आपको इस पे दिखते हैं। ना अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो यहाँ पर इस टेस्ट विंडो में जो रिजल्ट आएगा वहां पर आपको टी लाइन पर एक क्लियर विजिबल लाइन शो होगी। इसके बाद आपको सी लाइन पर एक लाइन विजिबल होती है। इस तरह से ये दो पिंक लाइन आपको यहाँ पर टेस्ट विंडो पर दिखाई देंगी, जो कि बिल्कुल साफ होती है। कुछ जो रिजल्ट होते हैं उसमें जो ये सी लाइन होती है वो काफी क्लियर होती है, बट ये जो टी लाइन होती है वो थोड़ी इनविजिबल सी होती है, धुंधली सी होती है, या फिर मैं कहूंगी कि थोड़ा हल्की सी होती है, लाइट इम्प्रेशन आता है। तो इस लाइन का क्या मतलब होता है? क्या हम प्रेग्नेंट हैं या हम प्रेग्नेंट नहीं हैं, या फिर हमारी प्रेगनेंसी में कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है? जब आप इस टेस्ट किट में टेस्ट करते हैं तो 5 मिनट के अंदर का जो भी रिजल्ट होता है वही वैलिड होता है। आज जब आप 5 मिनट 10 मिनट के बाद देखते हैं तो ये लाइन थोड़ी डार्क हो जाती है या फिर लाइन थोड़ी लाइट हो जाती है। तो ऐसे टेस्ट आप बिल्कुल भी वैलिड ना समझें, इससे बेटर होगा कि आप एक रिपीट टेस्ट कर लें। तो ये तो है एक मेन रीजन टेस्ट किट में लाइन के हल्के दिखने का। अब इसके बाद कुछ और कारण भी हैं जिनकी वजह से इस टेस्ट किट में एक लाइन आपको हल्की दिखाई पड़ेगी। कुछ केसेस में ऐसा होता है जब आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, आपकी पीरियड्स की डेट भी नजदीक है या फिर थोड़ा सा पोस्टपोन हो गई है 1-2 दिन, तो उस केस में अगर आप टेस्ट कर लेते हो तो ऐसा होता है कि टेस्ट किट में आपको जो लाइन्स दिखती हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखती है, धुंधली सी दिखेगी आपको लाइन, या हो सकता है कि आपको दूसरी लाइन दिखाई ही ना दे। ऐसे केसेस में जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, थोड़ा सा टाइम लें और वेट करें आपके पीरियड्स के आने का। अगर वो टाइम से नहीं आ रहे हैं, यूजुअली आपके पीरियड्स डिले होते हैं, इररेगुलर हैं, तो उस हिसाब से आप थोड़ा टाइम लीजिए और उसके बाद में आप टेस्ट कर सकते हैं। अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जब मेरी पहली प्रेगनेंसी थी और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीरियड्स स्किप हो गए हैं, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, तो मैंने एक टेस्ट किट मंगवाई और मैंने उस टेस्ट किट से टेस्ट किया घर पर ही। तो जो पहला टेस्ट था उसमें मुझे जो दूसरी लाइन दिखाई दी वो थोड़ी सी हल्की दिखाई दी लाइन, और उसके बाद मैंने 2 से 3 दिन रुक करके फिर वापस से टेस्ट किया, यानी कि जब मेरे पीरियड्स को स्किप हुए 7 डेज हो गए थे उसके बाद मैंने टेस्ट किया, तो मुझे दोनों लाइन बिल्कुल क्लियर और डार्क दिखाई दी। अब अगर इसके बाद आपके पीरियड्स को मिस हुए, स्किप हुए, 5 to 7 days हो गए हैं, आपने वापस से टेस्ट किया है और अभी भी आपको जो ये दूसरी लाइन है वो हल्की दिखाई दे रही है, धुंधली दिखाई दे रही है, ऐसे केसेस में आप प्लीज तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर इसी के साथ आपको कोई स्पॉटिंग वगैरह भी फील हो रही या फिर कोई ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है तो भी आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें, क्योंकि हो सकता है कि कोई और भी रीजन हो। अब इसके बाद ऐसा भी होता है, स्पेशली इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, पहली प्रेगनेंसी के दौरान आपकी शादी हुई है, उसके बाद आपने अनप्लान प्रेगनेंसी आ गई, आपने प्लान नहीं किया था, अचानक से प्रेगनेंसी आ गई, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने अनसेफ इंटरकोर्स किया था और कहीं हम प्रेग्नेंट नहीं हो जाएं, या फिर चांसेस ज्यादा थे कि आपका ओवुलेशन पीरियड चल रहा था और उस दौरान आपने अनसेफ इंटरकोर्स किया, तो आपको ऐसा फील होता है कि कहीं हम प्रेग्नेंट नहीं हो जाएं या फिर प्रेगनेंसी आ तो नहीं गई है, मेरे पीरियड्स जो हैं वो भी डिले हो गए हैं। तो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया
और उस मोमेंट पर आपकी जो टेस्ट किट है उसमें आपको दूसरी लाइन हल्की दिखाई देती है और उसके तुरंत बाद ही आपको थोड़ा स्पॉटिंग आती है या फिर ब्राउन डिस्चार्ज भी आने लगता है। ऐसे में आपको लगता है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं हूं, क्योंकि टेस्ट किट पे तो दो लाइन दिखाई दी थी, एक लाइन हल्की थी और एक लाइन डार्क थी, लेकिन उसके दूसरे या तीसरे दिन ही मुझे ब्राउन डिस्चार्ज आने लग गया या फिर स्पॉटिंग सी होने लग गई। तो अब मैं क्या डिसाइड करूं? तो ऐसी सिचुएशन तब आती है जब आपकी प्रेगनेंसी अनप्लान्ड रही हो, मोस्टली फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही ऐसा होता है और आजकल ऐसा बिल्कुल कॉमन हो गया है कि इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं उनका दिखाई देना। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको टेस्ट किट पे दो लाइन तो दिखती है बट उसमें से एक लाइन थोड़ी फेंट होती है। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि आपने कंसीव तो कर लिया था लेकिन इन बिटवीन दैट टाइम आपका जो बेबी था उसकी ग्रोथ कहीं रुक गई या फिर स्लो हुई है, और ये एक रीजन हो सकता है मिस्ड अबॉर्शन का, या फिर अगर आपको स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई है तो हो सकता है कि आपका मिस्ड अबॉर्शन हो गया हो या फिर होने वाला हो। तो ऐसे केसेस में भी आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, तुरंत सलाह लें। ऐसा मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, और जब शादी के बाद मैंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया था, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरा एक मिसकैरेज भी रहा है, बिल्कुल अर्ली स्टेज में ही रहा है। मेरे पीरियड्स को स्किप हुए काफी टाइम हो गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीरियड्स इररेगुलर हो गए हैं और बहुत सारी कंफ्यूजन भी थी, तो मैंने बहुत लेट कर दिया, लाइक 15 डेज हो गए थे। तो जब मैंने टेस्ट किया तो उस टेस्ट किट पर जो रिजल्ट आया उसमें मुझे एक लाइन तो बिल्कुल क्लियर दिखी और दूसरी लाइन बिल्कुल फेंट थी, यानी धुंधली थी, हल्की सी गुलाबी कलर की जो लाइन थी वो वहां पर दिख रही थी। तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हो गया कि ऐसे में मैं क्या डिसीजन लूं। ऑब्वियसली मैं प्रेग्नेंट तो हूं लेकिन ये जो दूसरी फेंट लाइन दिख रही है इसका क्या मतलब है। मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया और उन्होंने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। HCG ब्लड टेस्ट भी हुआ जिसमें भी मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई, लेकिन उसके दूसरे दिन से ही मुझे स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई एंड विद इन 4 to 5 days ही आई मिसकैरिड। तो ये जो कंफ्यूजन थी मैंने भी डॉक्टर से क्लियर नहीं करी और मैंने भी उतना सीरियस नहीं लिया। तो ऐसा अगर आपने नोटिस किया है तो प्लीज अपने डॉक्टर से टाइम से कंसल्ट कर लीजिए। अब ये फेंट लाइन आने का, यानी कि हल्की गुलाबी लाइन दिखने का एक जो और रीजन है, जो कि जनरली आजकल लोगों में देखा जाता है कि काफी टाइम से वो प्रेगनेंसी स्किप करने की, टर्मिनेट करने की मेडिसिंस ले रहे थे, उनको अभी बेबी नहीं चाहिए था, कुछ टाइम के बाद चाहिए था, तो उस मेडिसिन का जो इफेक्ट होता है वो हमें प्रेग्नेंट होने से रोकता है और जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है जिसे हम HCG हार्मोन बोलते हैं, और इस हार्मोन के लेवल अप होने की वजह से ही हमें जो हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव दिखाई देता है। और इस मेडिसिन का जो असर होता है, आपने जब मेडिसिन ली है तो उस मेडिसिन का असर काफी दिन तक रहता है और फिर उसके बाद आपको वो मेडिसिन रिपीट लेनी होती है। तो इस दौरान आपने वो मेडिसिन तो ले ली लेकिन अचानक आपका प्लान हो गया कि नहीं, हमें बेबी प्लान करना है, और अगर आपने प्लानिंग स्टार्ट करी और फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपको पीरियड्स नहीं आए या फिर स्किप हुए, तो ऐसे में क्या होता है, जब आप टेस्ट करते हैं आपको आपके टेस्ट किट में एक लाइन आपको हल्की दिखाई देती है, फेंट दिखाई देती है, आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए वहां पर कि आपके पीरियड्स आ जाएं। तो ये जो थे कुछ मेन रीजन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में दूसरी लाइन के हल्के दिखाई देने के, और आई एम श्योर आपके जो भी कंफ्यूजन है वो अभी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई भी और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इस बारे में आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहां पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, या फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, इस बारे में बिल्कुल खुल के बात कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आपको आपके क्वेश्चन के सारे आंसर आपके डॉक्टर जरूर देंगे। सो गाइज, दिस इज इट एंड आई एम श्योर आज का वीडियो आपको हेल्प जरूर करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज टैप ऑन द लाइक बटन और शेयर करना मत भूलिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और हेल्पफुल से टॉपिक के साथ। Stay happy and bye-bye.